हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान आईएएस। दिस इज़ अमित कुमार। और हमने चर्चा की थी पहले लास्ट लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस मैंने दो क्वेश्चन दिए थे, ज़्यादा नहीं था। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट फिर हम आज जो यूपीएससी में जो 10 को पेपर है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट जो जो टॉपिक है उन टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें इन चीज़ों को बड़ा ध्यान देना है, समझना है, ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने दिया था, एक क्वेश्चन ये था कि मैच द चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। इसमें मैंने दिया था पहला बाल गंगाधर तिलक ने, आपको याद होगा वो वीडियो देखना पीछे वाला। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा, दूसरा पॉइंट ये था उस पर। दूसरा क्या था उसमें दिया था कि दादा भाई नरोजी और मैकाले, और थर्ड नंबर था मैकाले, और फोर्थ था विलियम डिग्वी। तो विलियम डिग्वी थे, तो ये था, ये इतने नाम दिए थे। और विलियम डिग्वी, ध्यान समझना, अब इसमें आगे की चीजें आपको पता है, आपके उस चैनल आप पिछले वाले उसमें देखेंगे तो ये बता दूं। अब इसमें मैं ये बताना चाहूंगा आपको किसने क्या लिखा था, आपको मिलाना है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो इसको जरूर याद रखना, किसने क्या लिखा क्या नहीं कहा और इस चीज के बारे में। तो सबसे पहले विलियम सी डिग्वी जो थे, ये मद्रास टाइम इन्होंने लिखा था, विलियम सी डिग्वी मद्रास टाइम। ये अच्छा, मद्रास टाइम लिखने का क्या कारण था कि इनका ये कारण था मेरे दोस्त, मद्रास टाइम्स, ये क्या हुआ था कि लगभग हमारे यहाँ 1770 में के आसपास हमारे यहाँ फेमाइन आया था, सूखा पड़ा था। और जब सूखा पड़ा तो इन्होंने अपनी बुक में, इस मद्रास टाइम्स में इन्होंने लिखा कि लगभग जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 5 मिलियन लोग मरे थे, ठीक है। लेकिन भारत में विद इन 10 ईयर, यानी आप कह सकते 1770 से लेके आपका 1780 या आप कह सकते हैं कहीं कहीं 1790 भी मिलता है, इसके बीच में कितना, लगभग 25 मिलियन पीपल की डेथ हो चुकी थी, खत्म हो चुके थे। तो इन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा पोजिशन, ये किस वजह से हुआ, ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ। उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पर कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो विलियम सी डिग्वी ने, मद्रास टाइम्स लिखा, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो लोग मरने वाले की तादाद है, संख्या है जो सूखे से, तो वो है 25 मिलियन लोगों की संख्या है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ जब, तब उसमें 5 मिलियन लोग मरे थे, उससे 5 टाइम्स, यानी 5 टाइम्स यानी 5 गुना ज्यादा इस सूखे से मर गए थे। तो इन्होंने इस चीज को लिखा। मैकाले ने क्या हुआ कि मैकाले के आने से पहले, ऐसे मैकाले वो थे जो हमारे यहां काउंसिल के मेंबर बने, लॉ ऑफ काउंसिल ऑफ लॉ के, इसके जो मेंबर बने थे, और ये विदेश से आए थे, ब्रिटिशर्स थे, और यहां आने के बाद इन्हीं के टाइम पर 1835 में एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो सबसे शुरू हुआ वो आया, एजुकेशन एक्ट, ठीक है, एक्ट पास हुआ उस टाइम पे। और मैकाले ने ही एजुकेशन के लिए जोर दिया। अब मैकाले ने कोशिश ये की है, मैकाले के टाइम पे दो एजुकेशन की बात कही गई थी, एक तो आपका था इंग्लिश से रिलेटेड है, दूसरा आपका एक इनके एक ग्रुप और था, दो ग्रुप से था, तो इन्होंने एक को इंग्लिश को ज़्यादा फोकस किया, उस चीज़ पे ध्यान दिया। और मैकाले ने एक और लिखी, एजुकेशन पे ही बुक लिखी, मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन के लिए काम इन्होंने किया था, तो इन्होंने बुक लिखी थी मिनट, वो वाला मिनट नहीं है, ये मिनट अलग है, मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, ठीक है, ऑन इंडियन एजुकेशन, इस पर उन्होंने एक बुक लिखी। तो ये हो गई मैकाले की। तो आप मिलाते जाना, अब बच्चा होगा आपके पास दो, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नरोजी का, मद्रास टाइम, केसरी, ये सारी चीज, ये तो अब आपको समझ आ ही जाएगा, आप इसमें कर लेंगे, बड़ा सिंपल सा है। केसरी लिखा था किसने,
और मराठी भी इन्होंने लिखा था, आपको मालूम है बहुत सारी चीज़ें लिखी, यंग इंडिया, आगे महात्मा गांधी ने क्या, उसने जो ये आई थी हमारी होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट, वो दादा भाई नरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी। इस तरीके से आप इनकी चीज़ें मिलान कर सकते हैं, ये तरीका होता है समझने का। अगर आपने एक दो भी निकाल लिए तो बाकी की चीज़ें मैच करा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन और मैंने दिया था, उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम और समझेंगे उसको, ठीक है। चलिए, ये हो गया, समझ आ गया होगा। हिस्ट्री को ऐसे पढ़ो जैसे कहानी है तो समझ आ जाएगा, मज़ा आएगा तभी जब हम इस चीज़ को समझेंगे कहानी के जैसे। अगर हम इसे ना ऐसे समझेंगे स्टडी के तरीके से ना, तो वो नहीं आएगा। ये हिस्ट्री जो होती है ना, ये सलमान खान है, दिल में आती है, दिमाग में नहीं। तो वैसे कहानी अगर समझे तो मज़ा आ जाएगा, सारा याद हो जाएगा। अगर नहीं समझे तो ये माइंड में भी नहीं रुकने वाली है, ठीक है। तो ये समझ लो कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं करना है, तो आपको दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। कहानी पास्ट की कहानी तो है, जो आपकी मम्मी पापा दादा दादी सुनाते हैं कि एक राजा था एक रानी थी, ऐसी कहानी बताते हैं आगे। तो किसकी राजा रानी कहाँ से आए होंगे, पास्ट में रहे होंगे कोई, तो कितनी आपको भी याद हो जाती है। सेम ऐसे अगर हम इस बुक को, किसी भी बुक को, कोई भी चीज़ आती है उसे अगर एक स्टोरी के टाइप से पढ़ें तो पूरा याद हो जाएगा हमें, है ना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने और दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड। तो मैंने बताया था एजुकेशन कौन सा एक है जो मैच करता है। तो एक तो बात दी थी मैंने एजुकेशन, आप देखिएगा उसमें दिया होगा एजुकेशन एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, ये अभी मैंने जस्ट बताया था। तो आपको इसमें समझना, उसके सामने दिया होगा आपके पिछले क्वेश्चन में 1843, बट मैंने अभी बताया आपको 1835 में ये पास हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि वो गलत है, इसका मतलब पहले वाला गलत है, तो वो मैच तो हो नहीं रहा। दूसरा द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी ये था, और तीसरा इंडिगो रिवोल्ट था, और चौथा मद्रास नेटिव एसोसिएशन था। तो इसमें से दूसरा पॉइंट है ये जो हमारा एक सही इसमें बताना है। दूसरा रूल ये आया द एवोल्यूशन, यानी उसका जो स्लेवरी था, जो दास्ता है उसको मुक्ति का, स्लेवरी ये कितने में दिया है था आपके सामने, आपको दिखाया गया होगा 1859 में। तो ये पहला वाला गलत ही हो गया क्योंकि वो इतने में पास हुआ था। दूसरा वाला भी गलत है क्योंकि 59 में हुआ ही नहीं था, ये भी 52 में हुआ था। और ठीक है, और तीसरा पॉइंट, तीसरा ये है हमारा मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये हमारा 1852 में दिया है, ये एकदम सही बात है क्योंकि मद्रास के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उन्होंने इस चीज़ को शुरुआत की गई थी उस टाइम पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू था इनका अंग्रेजों की तरफ से, तो उस टाइम पे इन्होंने थोड़ा सा औद्योगिकरण पर ध्यान दिया था। किसने, यहाँ से यहाँ के व्यापारी थे कुछ, राम करके हैं, रामचंद्र करके, उन्होंने इस पर ध्यान दिया और इस पर थोड़ा सा काम किया। इन्होंने एक एमएनए का गठन किया था, उसका गठन हुआ था 1852 में। इसके बाद एक और है इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट की अगर बात करें हम, तो इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था आपको ये पता हो? इंडिगो का मतलब नील के खेती के लिए जो आया था, तो उसके लिए क्या था इंडिगो रिवोल्ट के लिए, कि इसमें कितना ज़्यादा हम विरोध किया, यानी रिवोल्ट पहला हमारा 1917 में, वो तो गांधी जी के आने पर हुआ, लेकिन इससे पहले भी हुआ था इंडिगो रिवोल्ट। तो शुरुआत कब हुई, वो तो विद्रोह कब हुआ उसकी बात है। तो 1859 में इसका विद्रोह हुआ था, 1859 to 60 में, ठीक है, इस चीज़ में हुआ। बाद में तो इंडिगो का 3/20 जो बाद में आता है, ये 1917 में जब गांधी जी अफ्रीका से 1915 में वापस आते हैं, फिर भारत में पूरे में घूमते हैं, घूमने के बाद फिर ये गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद आचार्य, बहुत सारे लोग वहाँ पर, 3-4 लोगों ने सपोर्ट किया, वहाँ के किसान थे वो लेने आए इन्हें। तो ये तो उनका सफल आंदोलन, असहयोग आंदोलन में कह सकते हैं कि सफल आंदोलन इनका ये रहा, सत्याग्रह वाले में, सत्याग्रह कह सकते हैं, पहला सत्याग्रह भारत का यही था।
ठीक है। लेकिन इससे पहले भी इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, वो था 1859-60 में, तो ये भी सही नहीं दिया है क्योंकि उसमें आपके आंसर में दिया होगा 1835, तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, सही क्या हुआ, ये वाला थर्ड वाला, तो ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही है। ठीक है, तो यहां तक तो हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब आपको आज जो मैं देने वाला हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो आपके प्री में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से प्लस एंशियंट आर्ट एंड कल्चर से, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो याद रहे इस चीज को भूलना नहीं है, समझना है, ये समझ में आ गया होगा। जो भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में नीचे डाल देना, मैं उसको देख लूंगा और उसको पढ़ के मैं आपको आंसर उसके दे दूंगा। अगर कोई और भी समस्या आती है ना तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और जब पढ़ोगे नहीं समस्या पूछोगे कहां से, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं यहां पर, तो आपको पढ़ना है फिर समस्या का समाधान होगा यहां पर, तो यहां होगा सारी सारी मन्नतें आपकी पूरी होंगी पढ़ाई से रिलेटेड। अगर आप नहीं पढ़ के आए, जैसे बाबा के दरबार में जाते हैं ना तो सारी चीजें पूरी होती हैं, वैसे सेम यहां पर भी पूरी होंगी, लेकिन उसके लिए क्या है, यहां से आपकी पढ़ाई के रिलेटेड सारी चीजें बताई जाएंगी आपको, जो भी इच्छा हो कि सर ये चीज समझ में नहीं मुझे ये बता दो, वो बता दिया जाएगा। लेकिन अगर पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए, एक था आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, यहां पर हम देखेंगे पहला पॉइंट श्री नारायण गुरु, ये चर्चा में थे। अब यहां पर मैं पिक्चर दिखा नहीं सकता, नहीं आपको दिखाता मैं, ये बेसिकली कहां से थे और इन्होंने क्या काम किया और ये किस लिए चर्चा में आए इसका, इस चीज के बारे में। तो इनकी 22 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए 22 अगस्त को इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी, इस वजह से चर्चा में रहे। 22 अगस्त 1856 में ये इनका जन्म हुआ था, तो 22 अगस्त को इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, इसलिए चर्चा में आ गए। अच्छा, ये थे कहां से और ये चर्चा में तो आए, इन्होंने काम क्या किया था। अब ये यूपीएससी क्या पूछता है, यूपीएससी तो यही पूछता है कि ये बताइए कि आप, उन्होंने श्री नारायण गुरु का नाम दे दिया और ये नहीं देगा कैसे क्या कि बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी, क्या मनाया गया था। अब वो पूछेगा कि यहाँ से ये बताना है कि इनका कहाँ से बिलोंग करते थे, ये भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है इन्होंने क्या क्या काम किया, और ये भी पूछ सकता है ये किस चीज़ के लिए मॉडर्न में, क्योंकि मॉडर्न में तो मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे तो इनका जन्म हुआ, तो जाहिर सी बात है कि मॉडर्न हिस्ट्री का जब दौर था उस टाइम पर उस इन्होंने पार्टिसिपेट जरूर किया होगा, है ना। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें किया। तो पहला पॉइंट ये था कि जब एक तो ये रिफॉर्म का काम किया, रिफॉर्म का यानी सुधार का, किस चीज का, कास्टनिज्म का, कि कास्ट पर अपर का, क्योंकि ये खुद लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो इनका ये था कि कास्ट का जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक भेदभाव है, वो यहां पर नहीं होना चाहिए, इनका पहला रिफॉर्म ये कह सकते हैं। दूसरा, इन्होंने एक सोशल इक्वली कर सकते थे, इक्वल करने के लिए कि सभी के लिए जो सामाजिक काम हो या सामाजिक एजुकेशन हो या आपका समाज का हो या कोई अदर चीज़ें हो, वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, सभी कास्ट के लिए, सभी के, और ये चाहते थे कि एक रिलीजन हो, एक कास्ट हो, एक धर्म हो, तो धर्म यानी रिलीजन कह सकते, एक ही चीज़ होनी चाहिए, दूसरा नहीं हो, जैसे अंग्रेजों में होता है, अंग्रेजों में भी अब अपर लोअर होता है, तो एक तो उस पर बात की, दूसरा रिफॉर्म के, सोशल रिफॉर्म का काम किया इन्होंने, सोशल रिफॉर्म के साथ साथ एजुकेशन पर भी काम किया। दूसरा इनका ये कह सकते हैं कि इनका जो एक नारा था, इनका स्लोगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोगन इनका पूछा जा सकता है आपसे, स्लोगन क्या था, जैसे मोदी जी करते ना वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, सेम इनका था, ये याद बना रहेगा, वन राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड, सब यही तो मोदी जी का चलता है, एक राष्ट्र एक चीज है, ये सारा एक ही एक करते हैं, वैसे ये भी एक ही है, तो इनका भी था कि वन कास्ट वन रिलीजन, एक कास्ट एक धर्म, और धर्म के साथ साथ वन गॉड फॉर ऑल, एक भगवान सबके लिए, वन गॉड फॉर ऑल, ये इनका स्लोगन था
कि सभी भगवान भी सबके लिए एक हो ना, अलग अलग क्या है कि हमारे अलग हैं, उनके अलग भगवान हैं। अगर ये चीज़ें हो जाएं तो डिस्क्रिमिनेशन ही खत्म हो जाएगा, लड़ाइयाँ ही नहीं होंगी। तो ये चीज़ें हुई, ये इनका स्लोगन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर इनकी लैंग्वेज में, केरला की लैंग्वेज में देखा जाए, इनका जो जन्म हुआ था आपने तिरुवनंतपुरम का नाम सुना है ना, तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी है, वहीं नजदीक एक गांव पर इनका तिरुवनंतपुरम केरला में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने वहां की लैंग्वेज में एक लिखा था जिसे बोलते हैं इसी शब्द को, स्लोगन को, ओरु जाति। ये कास्ट को जाति बोलते हैं, जैसे जाति अपने यहां बोलते हैं ना, तो वहां जाति बोलते हैं, या फिर आप कहेंगे कि ओरु माथम, जैसे कि हम रिलीजन को बोलते हैं ना, वहां मथम होता है, ओरु मथम। इसके बाद ओरु मथम के बाद ओरु दैवान, दैवम, जैसे भगवान को ना ओरु दैयम, सभी के लिए एक, दैव बोलते ना दैवम, तो यहां ओरु दैयम, एक वर्ड और था ओरु दैवम। ये वहां की है, केरला की लैंग्वेज है। एक शब्द केरला में और जोड़ दिया गया था इसमें कि मनुष्यामु, स्यानु कह सकते हैं, मनुष्यानु, बल्कि ये तीन ही वर्ड हैं इसके लिए, जैसे ये 1 2 3 1 2 3 तीन है, लेकिन साथ में इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया गया, ओरु मनुष्यानु, ये भी वर्ड जोड़ दिया गया। तो ये इनका स्लोगन था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर चीज में इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है, और इस चीज को इन्होंने ध्यान। और इसके बाद इन्होंने आदविता आश्रम का इन्होंने स्थापना की थी 1913 में, इन्होंने आदविता का भी स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जा सकता है। 1913 में आदविता आश्रम को इन्होंने फाउंड किया, इस्टैब्लिश किया, इस चीज को देखेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे और भी कुछ बुक्स लिखी, उन चीजों को जैसे देखना है तो ये वैसे, लेकिन खास करके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इनके ये पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सीए बिल से भी जोड़ सकते हैं इसको। इसके बाद इनका स्लोगन और इनका क्यों मनाया गया और इन्होंने क्या काम किया, ये तो कहां से थे, ये स्टेटमेंट में दिया जा सकता है, ये समझाया जा सकता है आपसे, ठीक है। इसके बाद यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपसे, देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, कहां से बिलोंग करते थे, किस स्टेट से, तो आपको बताना है केरला से है प्रीलिम्स में। दूसरा, ये कौन सा एसोसिएट कैसे शुरू किया, मूवमेंट क्या किया, तो इन्होंने सोशल रिफॉर्म में काम किया। इसके बाद इन्होंने आदविता आश्रम में कहां कलाड़ी क्या है इस्टैब्लिश कब किया, तो आपको 1913 में कह सकते हैं इन्होंने ये चीजें शुरुआत की। इसके बाद आता है एक अवेंद्रनाथ टैगोर, अवेंद्रनाथ टैगोर की बात अब करते हैं। अवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे, अवेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, इनकी भी चर्चा हुई है इस बार, रहा है ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर भी कह सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर में रख सकते हैं इसको, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में भी चर्चा करेंगे इसकी। मैंने बताया अवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब इसमें अवेंद्रनाथ टैगोर, इनकी भी अभी एनिवर्सरी मनाई गई थी, इस वजह से ये चर्चा में था और इस चीज को हम देखेंगे। और ये भतीजे थे किनके, रविन्द्रनाथ टैगोर को। और ये इनका जो जन्म मनाया गया ये कब, 7 अगस्त को, इनको डेट ऑफ बर्थ इनकी 7 अगस्त है और ये लगभग 150 साल पूरे कर चुके थे, तो बर्थ एनिवर्सरी इनकी मनाई गई थी, 150 ईयर्स जो था ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। ये 7 अगस्त को पैदा हुए थे, ये नेफ्यू हैं, भतीजे हैं, किसके नेफ्यू कहें या फिर आप कहें भतीजा, किसके, रविन्द्रनाथ टैगोर के, रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, इनकी इनकी जो लिखावट थी
जो इनकी उसमें जो पिक्चर बनाते थे, ये क्योंकि आर्टिस्ट थे और ये पिक्चर बनाने वाले मूर्तिकार या आर्ट के उसमें काम करते थे, तो इनकी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, हमें समझना ये है कि यहाँ पर जो इनको इनका बनाने का ढंग था, इसमें दो चीज़ें, एक चाइना और जापान का भी इन्होंने मिक्स किया था अपने उसमें आर्ट में, इन दोनों को भी इन्होंने इसमें अपने आर्ट में हमेशा लेके आते थे। और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कह सकते हैं इस चीज़ को लेके, या आप कह सकते द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो फर्स्ट क्रिएटेड थे वो यही थे। फर्स्ट क्रिएटेड किस चीज़ के लिए, ये पॉइंट पूछा जाता है कभी कभी, फर्स्ट क्रिएटेड द इंडियन सोसाइटी इस चीज़ को लिखेंगे, या फिर द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट लिख सकते हैं, द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है, फर्स्ट क्रिएटेड, पहली बार इन्होंने क्रिएट किया ये इसमें बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बाद। इन्होंने जब बंगाल ऑफ स्कूल आर्ट की स्थापना हुई थी उस टाइम के बाद से फिर इन्होंने इसमें ये पहली बार इसको क्रिएट किया। और दूसरा, इन्होंने अपनी कला से जब स्वदेशी मूवमेंट आया था, स्वदेशी मूवमेंट तो आप जानते हैं ना, तो स्वदेशी मूवमेंट में, स्वदेशी कह सकते हैं कि जब स्वदेशी को हमें ये हुआ कि स्वदेशी वैल्यूज को हमें, स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट में क्या था कि बाहरी की चीज़ों को बहिष्कार करना, बायकॉट करना और अपनी चीज़ों को ज़्यादा स्वीकार करना, तो यहाँ पर इनका मेजर स्वदेशी वैल्यूज में भी इन्होंने आर्ट के थ्रू इन्होंने बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया था। ये कह सकते हैं कि मेजर सपोर्टर, कह सकते हैं फर्स्ट मेजर सपोर्टर ऑफ स्वदेशी वैल्यू इन द इंडियन आर्ट। तो इंडियन आर्ट में पहले स्वदेशी वैल्यू देने वाले जो सबसे ज्यादा आर्ट के क्षेत्र में, तो वो थे आपके ये, ठीक है। तो ये एक इंडियन आर्ट में अपनी एक आर्ट के द्वारा अपनी एक इसमें पहचान दी, भारत की आर्ट को आगे बढ़ाया और भारत की पहचान बनाने में काफ़ी इन्होंने कोशिश की और बहुत अच्छा इन्होंने काम भी किया। हिंदू फिलॉसफी बहुत सारी थी उनको भी, और इनकी पहली पेंटिंग, ये पूछा जा सकता है कि इनकी पहली पेंटिंग कौन थी, इसके बाद कौन सी पेंटिंग थी। इनकी सबसे फेमस जो पेंटिंग रही वो पहली इन्होंने बनाई थी भारत माता, भारत माता। अब इसमें भारत माता की पिक्चर नहीं मैं दिखा पा रहा, लेकिन भारत माता की इन्होंने पिक्चर पहले बनाई, फोटो बनाई इन्होंने। भारत माता की पिक्चर के बाद इन्होंने जो बनाया वो था द पासिंग ऑफ शाहजहां, द पासिंग ऑफ शाहजहां की इनकी पिक्चर बनाई, द पासिंग ऑफ शाहजहां इनकी पिक्चर बनाई। ये कब बनाई थी, ये बनाई थी आपका 1900 में दोनों चीजें बनाई थी, इनकी भी बनाई और इनकी भारत माता की सबसे पहली पिक्चर, दूसरी शाहजहां की पिक्चर, तीसरा माई मदर इन्होंने बनाया था, माई मदर की पेंटिंग बनाई इन्होंने। कब बनाया था माई मदर, ये बनाया था 1912 से 1913 की बीच की बात कह सकते हैं इसको। इसके साथ साथ 13 में एक और भी फेरी लैंड नाम से बनाया था इन्होंने, एक फेरी लैंड, ये भी आपका 1913 में ही है। इसके बाद इन्होंने एक और पेंटिंग बनाई जिसका नाम है जर्नीज एंड, जर्नीज एंड, ये भी 1913 में ही बनाया था, इनकी लास्ट है ये जर्नीज एंड, ये 1913 में ये भी बनाई थी। तो ये इतनी सारी चीजें बनाई, इसमें से फेमस ये था, तो ये चीज को भी आपको मेंशन करना है, समझना इस बात को। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो समझो आपको ये चीज़ समझने की कोशिश करना है, तो हमें डेली थोड़ा सा करंट से रिलेटेड चीज़ें अब पढ़ाई जाएंगे आपको, जो एग्जाम तक आपके काम आ जाए। इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो पहली बात इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट सब्जेक्टिव इसमें पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा जा सकता है कि ये कैसे शुरुआत हुई, तो फर्स्ट क्रिएटेड पर्सन कौन थे, रवींद्रनाथ टैगोर, ये फर्स्ट क्रिएटेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। और आपके स्कूल, आप कह सकते हैं स्कूल के बारे में या बंगाल के बारे में, जो मैंने इंडियन सोसाइटी कैसे अबाउट द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट उसके जो शुरुआती की इन्होंने, तो वो भी रवींद्रनाथ टैगोर ने किया। देन इनकी फर्स्ट जो पेंटिंग थी वो ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, तो ऐसे करके हम देखते जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिएगा और जो नहीं आया समझ में उसको आप कमेंट में लिख दीजिएगा।
तो या फिर हमारे ऑफिस में भी नंबर में कॉल कर सकते हैं बैच ज्वाइन करना है तो आप मुझसे उसमें कमेंट के थ्रू भी आप यू कैन आस्क मी, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ या नए किसी टॉपिक के साथ। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।